सुजानपुर टेहरा चौगान में उगी जहरीली घास को उखाड़ने के लिए नगर परिषद प्रशासन और आम जनता ने एच टुडे से गुहार लगाई थी, तो खबर को प्रमुखता से उठाते हुए एच टुडे द्वारा 20 जुलाई को खबर छापी गई थी। तो प्रशासन और नगर परिषद ने शीघ्र ही चौगान की जहरीली घास को काटने के लिए मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना के तहत लगाए गए लोगों के द्वारा घास काटने का कार्य आरम्भ कर दिया है, जिससे शहर की जनता ने भी एच टुडे चैनल का धन्यवाद किया है और नगर परिषद के अध्यक्ष अशोक मेहरा द्वारा भी आह्वान किया गया है कि प्रशासन को चौगान के रखरखाव हेतु कम से कम 3 मालियों की जरूरत है, ताकि चौगान में फैली गंदगी को और जो पौधारोपण बरसात के दिनों में किया जाता है उसका रखरखाव किया जा सके। हमारे पास मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत आदमी लगे हुए हैं, वो गली गली में लगे थे, पर हमने उनको आज 2-3 दिन हो गए ग्राउंड में लगाया हुआ है घास फाड़ने के लिए, और लगभग हम सारी घास फाड़ेंगे नगर परिषद। काम तो प्रशासन का ही है, सारा पैसा प्रशासन के पास जाता है। हम तो ऐसे लोगों की सहूलत के लिए ये काम करते हैं, लोग हमें बातें ना करें, पर काम जो है ये प्रशासन का है। प्रशासन को हमने बोला था कि 3 आदमी रेगुलर यहाँ पोस्ट की जाए, वो साल भर अपनी यहाँ घास सफाई वगैरह सब करते रहे, वो सफाई करेंगे, कूड़ा इकट्ठा करेंगे, उठाएंगे हम, पर वो भी नहीं लगाए इन्होंने। ऐसा आता है बड़ा भारी बोली आता है, ऐसा कोई भी आता है वो नहीं लगाए। हमारा आज भी यही परामर्श है, आज भी 3 आदमी लगा दें तो ग्राउंड बिल्कुल साफ हो सकता है, बिल्कुल 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 होनी चाहिए, और जरूरी भी है सारा कुछ सुंदरता जब भी है जिस माल 3 आदमी की बड़ी जरूरत है ग्राउंड की, 3 आदमी हमें चाहिए।